गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम वितान भाग एक से पार्ट दो राजस्थान की रजत बूंदे इस पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लेखक है अनुपम मिश्र। ओके, तो राजस्थान की रजत बूंदे इसे आपने पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो राजस्थान का नाम तो आपने सुना ही होगा कि वहां पर बहुत कम बारिश होती है और पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिसके कारण वहां पे पानी का बहुत अधिक महत्व होता है। सारा राजस्थान में रेगिस्तान से भरा हुआ है, जिसके कारण वहां पे हरियाली बहुत कम है। इसी वजह से बारिश भी बहुत कम होती है और गर्मी बहुत तेज पड़ती है। तो यहाँ पर लोग इस बारिश के पानी को किस तरह स्टोर करके रखते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय करते हैं, वह इस पार्ट में बताया गया है। तो देखिए इस पार्ट को, इसका मैं आपको सारांश इस पार्ट का बताऊंगी, क्योंकि पार्ट तो बहुत बड़ा सा है और इसका मैं आपको सारांश बताती हूँ। जब आप इस वीडियो को देखें तो इसके लिए आप पार्ट को पहले रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो देखिए। मैं इस पार्ट का सारांश आपको बताती हूँ। तो देखिए, यह रचना राजस्थान की जल समस्याओं का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुई का निर्माण करता है। एक्चुअल में यहाँ पर जब पानी को स्टोर जो किया जाता है, बारिश के पानी को, वो एक कुई के रूप में कुई बनाई जाती है। जैसे हम लोग के एरिया में बड़े बड़े कुएं होते हैं, उसमें पानी अंदर से ऑटोमेटिक निकलता है। तो लेकिन यहाँ राजस्थान में कोई कुएं नहीं होते हैं जहाँ से पानी अंदर से निकले, क्योंकि बारिश जब होती नहीं है इसलिए पानी का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे होता है, जिसको वहाँ खोदना भी कोई काम का नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर कितना भी खुदाई करोगे तो पानी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बारिश का पानी जब धरती के अंदर जाता ही नहीं है तो वो कुएं खोद भी लो, कुछ भी कर लो, तो वो पानी आएगा कहाँ से, है ना। तो इसीलिए बारिश के पानी को ही स्टोर करना पड़ता है और ये पानी जो है वो कुई खोद करके उस कुई में स्टोर किया जाता है और उसी कुई का वर्णन इस पार्ट में किया गया है। ठीक है, यह वो है, ये बताता है कि कुई खोदने के लिए चेलवांजी काम कर रहा है, वह वसूली से खुदाई कर रहा है। चेलवांजी किसको कहते हैं, जो कुई खोदने का काम करते हैं उनको वहां पर राजस्थान की भाषा में चेलवांजी कहा जाता है। ठीक है, वह वसूली से खुदाई कर रहा है, अत्यंत अंदर भयंकर गर्मी है, गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं, इससे ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा धमकोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। एक्चुअल में जो कुई जो खोदते हैं उसका मुंह बहुत छोटा होता है, सकरा रहता है वो उसका एरिया, तो कम एरिया में जब उसकी खुदाई की जाती है और बहुत गहराई तक खोदना रहता है उसको, तो क्या होता है कि अंदर में जो बैठ कर के कुई खोदते रहते हैं उनको बहुत अधिक गर्मी लगती है। तो उनकी गर्मी को दूर करने के लिए ऊपर खड़े लोग जो है वो रेत भर भर के मुट्ठी में नीचे कुई के अंदर फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि जो अंदर की जो गर्म हवा रहती है वह ऊपर आती है और बाहर की जो ठंडी हवा रहती है वो थोड़ी नीचे जाती है, जिसके कारण चेलवांजी को कुई खोदने में थोड़ी सी राहत मिलती है गर्मी से। इससे ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं। अब ऊपर से जब रेत फेंकी जाती है तो स्वाभाविक ही उनके सिर पे भी लगेगी जो अंदर खुदाई कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अंदर में उन लोग जब खुदाई करते हैं तो किसी बर्तन या कांसे के बर्तन, कोई भी बर्तनों का उन लोग सिर पर एक टोप टाइप का पहनते हैं ताकि चोट ना लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलमा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है।
चेलवन जी, कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं कुएं से छोटी होती है परंतु गहराई कम नहीं होती है। कुएं में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है ना भूजल। मैंने जैसे कि पहले बताई थी कि नीचे कोई पानी नहीं होता है कुएं के अंदर। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है, यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी का तभी पता चलता है जहां बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का पानी जो है वो भीतर समाया जल अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। समझ गए? एक बार फिर से बताती हूँ आपको कि कुओं का पानी क्या होता है। प्रायः खारा होता है जो कुएं खुदाई होते हैं। पीने के पानी के लिए कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी का तभी पता चलता है जहां बरसात का पानी एकदम नहीं समाता है। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। अतः वर्षा का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग होते हैं, चिपकते नहीं। रेत आपस में चिपकती है क्या? नहीं चिपकती है। कभी देखा आपने रेत को आपस में चिपकी हुई? नहीं। आप जैसे ही उसको ऐसे ऐसे मुट्ठी में बांधोगे वो बंध जाएगी, लेकिन जैसे ही खोलोगे फिर अलग अलग हो जाती है ना। मिट्टी के कण एक दूसरे को चिपकते हैं और एक दूसरे को बांध लेते हैं एक दूसरे में। लेकिन जो रेत के कण होते हैं वो एक दूसरे से नहीं चिपकते। तो पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते। देखना, रेत में आप पानी डालोगे तो रेत के कण भारी हो जाएंगे लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। जब वर्षा कभी कभी होती है वहां पे तो रेत में पूरी वर्षा जो है वो रेत वर्षा का पानी जो है उसमें समा जाता है। और वहां पर क्या होता है कि रेत की नीचे की तली में पानी इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे करके उसका जो फ्लो है वो कुई की तरफ कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे वो बह करके एक एक बूंद करके क्या होता है वह कुई में जमा होता रहता है पानी। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा रूप पाताल पानी है जो कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा रूप है रेजाणी पानी, यह धरातल के नीचे उतरा परंतु पाताल में ना मिलने वाला पानी रेजाणी है। वर्षा की मात्रा रेज शब्द से नापी जाती है जो धरातल में समाई वर्षा को। यह रजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रजाड़ी पानी को समेटती है कुई। कौन समेटता है इस रजाड़ी पानी को? कुई। कुई के अंदर जो पानी समाता है वो रजाड़ी पानी का होता है। यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 30 से 60-65 हाथ की गहराई की होती है। व्यास मतलब जिसको आप लोग बोलते हो ना, मतलब उसकी गोलाई जो होती है, कुई की जो गोलाई होती है वो उसका व्यास कहलाता है। तो ये जो व्यास होता है वो कुएं से कम होता है और गहराई जो होती है 60-65 हाथ की होती है और गोलाई जो होती है वो 4 से 5 हाथ की होती है बस। कुएं का प्राण है चिनाई। इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण दे सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर
निकाल कर पूरे काम की चिनाई कर दी जाती है। जितना काम हुआ है उतनी जगह का पूरा मलबा, जितनी खुदाई करते हैं उतनी जगह को पूरा सफाई करके पूरा मलबा बाहर निकाल देते हैं, और आसपास का जो उसका जो भीतरी पोर्शन रहता है दीवार, जो किनारे की दीवारें रहती हैं उसको क्या करते हैं, चिनाई कर दिया जाता है। ठीक है, कुई की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुई खोदने के साथ साथ खीप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है, फिर इसे हर रोज कुई के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। क्या करते हैं, वो जो रस्सा बनाया जाता है उसको तो दीवार के किनारे किनारे से गोल 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 पूरा चिपका दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुई बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4,000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। पत्थर या खीब न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्मट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। ये अंदर की चिनाई करने की प्रोसेस बताई जाती है। ठीक है, चिनाई मतलब जो अंदर में जो ढलाई करते हैं ना, अंदर की जो जैसे खुदाई हुई तो अंदर की जो दीवारें हैं कुई की, वो पूरी मिट्टी मिट्टी और पत्थर मिट्टी ये सब जो निकलते हैं वो बार बार निकलते हैं। अगर पानी उसमें जाके जमा होगा तो क्या होगा, वो उसको सोख लेगा। इसलिए आसपास की दीवारों को क्या करना पड़ता है, चिनाई करना पड़ता है। चिनाई मतलब उसको पूरा चिकना करना पड़ता है जिससे वो पानी जो है वो उसी में मौजूद रहे, इधर उधर अंदर की दीवारें उसको ना सोखे। ठीक है, तो उसके लिए वो रस्से का उपयोग करते हैं। ठीक, खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुई की सफलता उत्सव का अवसर बनती है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। चेजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के तीज त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था, परंतु अब सिर्फ मजदूरी ही दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहिणी सॉरी मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयां खोदते हैं। कुई का मुंह छोटा रखा जाता है। इनके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः इसे निकाला नहीं जा सकता। छोटे व्यासों की कुई में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी रसड़ जसड़ का उपयोग किया जाता है। दूसरा, छोटे मुंह का ढकना सरल है, उसको ढाका भी जाता है, कुएं को ढाक दिया जाता है ऊपर से। तीसरा, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है, इसीलिए क्या होता है, छोटे मुंह की कुइयां बनाई जाती है। कुइयों को ढक्कनों पर ताले भी लगने लगे हैं। यदि कुई गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चकरी भी लगाई जाती है, या यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। पानी निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जैसे अभी हम लोग के आसपास के जो कुएं होते हैं उसमें घिरनी लगी होती है, फिर रस्सी और बाल्टी से हम लोग उसको खींचते हैं पानी को, है ना, तो उसी प्रकार इसमें भी घिरनी और चकरी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से गुजरती है, इस कारण कुई लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुई के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में गांव के लगभग हर घर में कुई है, क्योंकि पानी के लिए कभी लोग बहुत परेशान होते हैं वहां, तो पानी को स्टोर करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और इसीलिए हर घर में कुई बनाई जाती है और इस प्रकार कुई में पानी स्टोर करके रखा जाता है।
यही राजस्थान की रजत बूंदे है, समझ में आ रहा है, जिसको एक एक बूंद को कुएं में स्टोर किया जाता है ताकि जब पानी की आवश्यकता हो तब हम इसे निकाल सके और उपयोग कर सके। ठीक है, राजस्थान की रजत बूंदे